क्षमा करें। सुधांशु रघुवंशी जी आपके बीच बोलेंगे, आकाश यादव अगली प्रस्तुति में बोलेंगे। सुधांशु रघुवंशी जी के लिए स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। सुधांशु जी आप बनारस से आए हुए हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल से। धन्यवाद भैया। नमस्कार आदरणीय निर्णायक मंडल, यहाँ उपस्थित सम्मानित दर्शक, मैं नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में सदन में प्रस्तावित इस विषय कि यह सदन चुनावों के दौरान मतदाताओं के लिए किए जाने वाले मुफ्त चुनावी वादों एवं घोषणाओं की निंदा करता है कि पुरजोर विपक्ष में। महोदय, हमें यह जानने की आवश्यकता है कि किन मुफ्त चुनावी वादों की सदन निंदा करता है। क्या किसी को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई मुफ्त वादा किया जाता है, वह निंदनीय है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुफ्त चीज होती क्या है। हो सकता है कोई चीज भारत में अत्यधिक महंगी हो, वही चीज दक्षिण अफ्रीका में अत्यधिक सस्ती हो। उदाहरण के लिए, दक्षिण अफ्रीका में पानी सोने के भाव, सोना पानी के भाव बिकता है, और भारत में पानी सोने के भाव बिकता है। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि दक्षिण अफ्रीका में कोई पार्टी या आपसे वादा करती है कि आपको हम पानी देंगे, तो लोग सोचेंगे वाह, ये पानी फ्री में देने की बात कर रहा है, पानी मुफ्त में देने की बात कर रहा है। पर भारत में यदि कोई व्यक्ति कहे कि हम आपको फ्री में पानी मुहैया कराएंगे, मुफ्त में पानी मुहैया कराएंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, पानी सब दे देते हैं। तो महोदय, हर जगह हर चीज की कितनी आवश्यकता है और कहां कितनी उपलब्धता है, इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चीज की आवश्यकता क्यों है और यह क्यों निंदनीय नहीं है। मैं बताऊं कि जो आज भारतीय जनता है उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा जिसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है। हमारे क्षेत्र में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि राग रंग भूल गए छकड़ी, राग रंग भूल गए छकड़ी, तीन चीजें याद नहीं, नून तेल लकड़ी। तो क्या आप चाहते हैं कि नून तेल लकड़ी हमारे पास रहे? मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं, ताकि यदि वह व्यक्ति रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं में फंसा रहेगा, तो वो अपना विकास कब कर पाएगा। 1/135 करोड़ भारत का व्यक्ति है, और यदि वह भारत के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो उसका होना इस भारत में कदाचित आवश्यक वांछनीय नहीं है। महोदय, यदि एक आप दृष्टांत में यदि उसका हम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा जैसी जो चिंताएं हैं उसको दूर कर देती है सरकार, तो उसके बाद वो क्या कार्य करेगा? गरीब व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। यदि हम रोटी दे देते हैं तो वह कपड़े की चिंता करता है, कपड़ा दे देते हैं तो मकान आदि आगे, तो उसका जिंदगी बीत जाती है। महोदय, यदि सरकार आज आप उस गरीब तबके को रोटी, कपड़ा, मकान दे देती है, तो उसको आगे सोचने का मौका मिलेगा। यही बात हम अमीर तबके में लागू कर सकते हैं। बनारस के विद्यालयों में महीने के प्राइवेट विद्यालयों में 11,000 रुपए फीस लगती है। आपको एक आंकड़ा बताऊं, यदि महीने में कोई व्यक्ति अपने एक बच्चे के शिक्षण के लिए 11,000 रुपए खर्च करता है, तो वह पूरे साल में 1,32,000 रुपए खर्च करता है, और 4 साल में 5,28,000 रुपए खर्च करता है। यदि वही 5,28,000 सरकार से वहन करे और सही शिक्षा दे, तो वो 5,28,000 कहीं और निवेश कर सकता है, जिससे भारतीय पूंजी का निर्माण हो सकता है, भारत आज पांचवें से नहीं अपितु पहली अर्थव्यवस्था बन सकता है। यह इसका पूरा निर्णय होता है। इसके कुछ उदाहरण हम देखे हैं। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे के कामराज, उन्होंने मध्यान्ह भोजन प्रारंभ किया था। मध्यान्ह भोजन उस वक्त निंदनीय हुआ, फ्री में खाना दे रहे, फ्री में खाना दे रहे, राजकोष पर दबाव आएगा, ये होगा, वो होगा। किंतु तत्पश्चात जब सी एन अन्नादुरई ने इसको तमिलनाडु में लागू किया था, देखा गया कि वहां पर बच्चों की साक्षरता में वृद्धि हुई, वहां की उपस्थिति में वृद्धि हुई, साथ ही साथ उनका जो पोषण है उसमें वृद्धि हुई। इससे हमने दुर्गामी परिणाम निकाले। दुर्गामी परिणाम क्या है? इससे हमें आगे चलकर उनके स्वास्थ्य पर खर्च नहीं करना पड़ा, हमें उनके शिक्षा पर खर्च नहीं करना पड़ा, हमें उनकी साक्षरता पर खर्च नहीं करना पड़ा। इससे हमारे दुर्गामी परिणाम निकलते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, यदि थोड़ा सा खर्चा करके थोड़ी देर के घाटा सह करके दुर्गामी परिणाम निकलना, बुराई क्या है आप बताएं? कोई बुराई नहीं है। महोदय, आपसे कहना चाहूंगा, और रही बात हमारे काबिल सत्ता पक्ष के वक्ता ने कहा कि किसी से लेकर किसी को मुफ्त में दे देना अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जैसे या फिर अभिजात वर्ग की ये सोच है कि केवल 4% लोग टैक्स भरते हैं, पर मैं बताऊंगा कि सीधे रूप में जो कर दिया जाता है वो 49% लोग नहीं देते, ऊपर 51% लोग असीधे रूप से कर देते हैं, जिससे जीएसटी आता है। महोदय, आपसे बताऊं, यदि असीधे रूप से कर नहीं जाए तो कितना बड़ा तबका आज कोविड वैक्सीन से वंचित रह जाता, जो कि फ्री में दी गई है। कोविड वैक्सीन ऐसी चीज है जो कि फ्री में देने पर पूरे भारत का स्वास्थ्य उठा है। महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसका दूसरा एग्जाम्पल उदाहरण है रायतू बंधु स्कीम और कालिया स्कीम, जो कि उड़ीसा में दी गई और तेलंगाना में दी गई। वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का एक पृष्ठभूमि था,
तत्पश्चात इसका तीसरा उदाहरण आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव द्वारा 1983 में 2 किलो चावल हर व्यक्ति को दिया जाने की बात कही जाती थी। महोदय वही इस बात की पृष्ठभूमि रही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम 2003 में इसको लागू कर दिया गया है। मतलब ये तो वही हिपोक्रेसी हो गई कि पहले हम उसका विरोध करेंगे, उसके बाद केंद्र सरकार उसको लागू कर देगी, चुरा कर लागू कर देगी। महोदय केंद्र सरकार ने मध्यान्ह भोजन का भी विरोध किया, केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया कि 2 किलो चावल सबको फ्री में क्यों दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। तो अंत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम इसको लागू कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 मिनट हो चुके हैं रिमाइंडर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी को मुफ्त में कोविड वैक्सीन मुहैया कराने से सबके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। तत्पश्चात आपको मैं बताऊं कि इससे जो दूरगामी परिणाम होंगे उसके लिए कुछ वक्त का घटा आप सह सकते हैं, इतना राष्ट्र जवाब भी पड़ रहा है। आईआईटी दिल्ली की एक अर्थशास्त्र की प्रोफेसर है रीतिका खेरा, उन्होंने कहा है कि राजकोष हमेशा घाटे में रहता है। एक पुल बनाना होता है राजकोष घाटे में चला जाता है, एक ओवरब्रिज बनाना राजकोष घाटे में चला जाता है। किंतु राजकोष अगर घाटे में वास्तव में जा ही रहा है तो उसको सही काम में लगाए। जो आदमी गरीब है खाना नहीं खा पा रहा है उसको तो दे दे खाना कम से कम, यदि वो खाना नहीं खा लेगा रोटी कपड़ा मकान में पा लेगा तो उसके बाद उसकी अन्य चिंताएं पूरी होंगी, वो देश के सहयोग कर सकता है। तत्पश्चात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सरकार का हर व्यय राजकोषीय घाटा ही रहता है, तो यदि वितरण मूलक न्याय किया जाए, यदि सबको मुहैया करा दिया जाए तो जिससे कल्याण हो रहा है उसकी भरपाई हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। महोदय मैं अंत में आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि जो आज हम सब्सिडीज देते हैं खाने पर, जो आज हम गरीब तबके को चीजें दे रहे हैं खाने के लिए, मुफ्त में राशन दे रहे हैं, उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, हालांकि आने वाले समय में हमको उसका लाभ ही मिलेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो इरेशनल वादे हैं, जो कि अतार्किक वादे हैं, उनका विरोध जनता करती है, क्योंकि जनता ही जनाब है ना, जनता जानती है कि कौन सा व्यक्ति किस कैसे वादे कर रहा है, उसको पूरा किया जा सकता है। यदि मैं कल चुनाव का प्रचार करूंगा बोलूंगा सबको मैं एक एक सत्ता में आने के बाद एक एक चुनाव का सोने का बिस्कुट दूंगा तो जनता समझ जाएगी झूठ बोल रहा है। तो झूठ और सच का अंतर जनता जानती है, इसको सत्ता पक्ष ठीक से न होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो चुनावी आयोग है, चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसने अपने आचार संहिता के पार्ट 8 में भाग 2 में लिखा है कि कोई भी चीज यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुकूल है तो उसको लागू करने में किसी को कोई भी संशय, किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और यही हमारी पार्टियां करती है, वो मुफ्त में चीजों मुहैया कराती है। और रही साइकिल की बात, रही टैबलेट की बात, तो कोविड में कितने ही लोगों ने बस टैबलेट के लिए फोन किया ताकि शिक्षा सुचारू रूप से चल पाए, लोगों ने मवेशिया तक भेज दी है। उस मवेशी को बचाने के लिए, उस व्यक्ति की शिक्षा को चलने के लिए हम लोगों का आवश्यक है कि सरकार उसको मुफ्त में टैबलेट दे, लैपटॉप दे और साइकिल दे, जिसकी आवश्यकता हमारे को पड़ती रहती है। धन्यवाद।